कहीं आना रे कल कल, याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल चल, सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। ब्रेक के बाद अब आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने आपको शायद बहुत ही आसान सवालों पर छोड़ दिया है। अब मैं एक मुश्किल तो नहीं कहूंगी पर थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी। कल आप एक करियर की तरफ बढ़ जाते हो, आप एक अपना करियर चूज कर लेते हो, कोई आईटी में जाना चाहेगा, कोई जर्नलिस्ट बनना चाहेगा, कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहेगा, कोई मॉडल बनना चाहेगा, कोई एक्टर। डिफिकल्टीज हर प्लेटफॉर्म पे आती हैं, हर स्टेज पर आती हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट यू विल बी ट्रीटेड एज अ बडिंग पर्सन इन दैट करियर। सो बहुत सारी आपको ऑफिस पॉलिटिक्स भी झेलनी पड़ेंगी और ऐसा भी टाइम आएगा जब आपसे कम काम करने वाले को, आपसे जूनियर को प्रमोशन दे दी जाएगी, सैलरी हाइक मिल जाएगी। मगर काफी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सीनियर्स होते हैं जिनका जो मोटिव होता है वो सही नहीं होता है। वो अगर आपको प्रमोशन देते हैं या अगर आपकी सैलरी हाइक करते हैं तो इन रिटर्न दे वांट समथिंग फ्रॉम यू, सो दैट्स वेयर कॉम्प्रोमाइज कम इन। सो आई वांट टू आस्क यू गाइस, आर यू रेडी फॉर सच काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज इफ एवर नीड टू बी? आई थिंक दिस इज नॉट फेयर इनफ टू गिव अप योर मॉरल्स फॉर सक्सेस। ऑलराइट, आई विल नॉट गिव अप माय मॉरल्स। मेरी अपनी खुद की भी एक अपनी खुद के एक प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनको नहीं तोड़ना चाहूंगी इन सब चीजों के लिए, भले मेरा करियर बने चाहे ना बने। क्योंकि जब तक तुम्हारी डिग्निटी मेंटेन है तब तक तुम काम कर सकते हो, अपनी इज्जत के साथ काम कर सकते हो, अदरवाइज उस सक्सेस का, उस करियर का, उस पोजीशन का कोई फायदा नहीं। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाते? मेरे लिए अगर आप अपनी मॉरल्स को गिव अप कर देते हैं, आप अपने प्रिंसिपल्स को खत्म कर देते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ने का क्या फायदा है? पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई गलत काम करें, आप छोटा काम भी शुरू कर सकते हैं। कोई काम वैसे भी छोटा या बड़ा तो होता नहीं है। आप हॉट मिलियन, पिज्जा हट, इन ऐसी जगह पे काम कर लीजिए, वहां पे तो आराम से जॉब मिल जाती है। मैं कहता हूँ भी कॉम्प्रोमाइजेस जिंदगी में करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। जैसे मैम कह रहे थे ये आईएएस बनना चाहते हैं, और अगर हमें चार दिन से रोटी नहीं मिल रही है तो ये डायरेक्ट आईएएस नहीं बनना चाहती, तो ये कहते हैं मैकडोनल्ड्स ज्वाइन करें, पिज्जा हट ज्वाइन करें, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्रोमाइज। तो हमें जो लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कॉम्प्रोमाइज कोई लड़की या लड़के को भी करना पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, तो क्या आप उसको सही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर किसी का कोई भी ड्रीम है तो उसे पाने के लिए अगर कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। आपके साथ ये सिचुएशन आए आगे जिंदगी में, फ्यूचर का किसी को कुछ पता नहीं होता, तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? अगर बात करूं आज की, तो मैं आज भी अपनी लाइफ के साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा हूं। मैंने प्लस टू कंप्लीट की नॉन मेड से, उसके बाद मैंने ज्वाइन मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना था, बट ड्यू टू माय मेडिकल्स कलर विजन तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मुझे वो कॉम्प्रोमाइज, सबसे पहला जो मेरा एम था वो खत्म हो गया, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सेकंड मैंने आइल्स की, उसके बाद मेरे बैंड आए, उसके बाद ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे आप शो करने होते हैं, फंड शो करने हैं, तो नहीं कर पाए, उसके बाद वो मुझे आइडिया ड्रॉप करना पड़ा, फिर मैंने कॉम्प्रोमाइज किया बट गिव अप नहीं किया। तो आप मुझे ये बताइए, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, अगर आप कल को एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप आप एक ऐसे इंसान है जो डिसीजन ले सकते हैं किसी की प्रमोशन के लिए या किसी की सैलरी हाइक के लिए, हाँ जी, तो क्या आप किसी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं जाऊंगा जो उनके मोरल्स के अगेंस्ट हो, क्योंकि मैं किसी को दबा के या किसी को हर्ट करके कुछ भी नहीं देगा। अगर प्यार से मिले तो हाँ, प्यार से दे देंगे। दिस थिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन किसी ना किसी दौर से गुजरा हुआ है,
तो दिस मेक्स हिज और हर कॉन्शियस. अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपने मॉरल्स अपने प्रिंसिपल से हटके अगर कुछ करूंगा, दिस विल कीप ऑन प्रिकिंग माई कॉन्शियस, एक चुभन मेरे दिल में रहेगी. अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉरल्स होते हैं वो भी हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए रखते हैं, बनाते हैं. हाँ जी. ओके. तो उसी के लिए अपने आप को, मतलब हमने खुशी देनी है अपने आप को, मतलब क्या करना है, आप अपने अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो कुछ भी करो कैसे भी करो, ये आप कह रहे हैं. हाँ जी. इस बात से कितने लोग यहाँ पे एग्री करते हैं, आप अपना हाथ खड़ा कीजिए जो इन्होंने कहा अभी. ऑलराइट, यू एग्री विद. तो आप मैम, जो इन्होंने कहा मैं उस चीज से एग्री करता हूँ, क्योंकि आजकल की सोसाइटी है लग्जरी लाइफ, और अगर कॉम्प्रोमाइज करके हम उस लग्जरी लाइफ को पा सकते हैं और अपना गोल जो है उसे अचीव कर सकते हैं, सो व्हाई डोंट वी. क्योंकि अगर आज की सोसाइटी में आप किससे सीखेंगे, आप अपने पेरेंट्स से सीखेंगे या जो आज सोसाइटी जहाँ पे है आप उससे सीख लेंगे? क्या आपको लगता है आपके पेरेंट्स ने कभी कॉम्प्रोमाइज किया होगा, कभी लग्जरीज के लिए सोचा होगा? मैम, उन्होंने तो कभी सोचा नहीं, बट हम सोचते हैं, क्योंकि हमने उन चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है जो हम देखते हैं लोगों के पास, बट वो हमारे पास नहीं. कभी आपने इन चीजों के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि आपने तो ये चीज त्याग दी जिंदगी में, हम नहीं त्यागना चाहते, तो हम सोचते हैं कि अब ये वाला रास्ता हमें लेना चाहिए? मैम, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि हम ये रास्ता लेना चाहते हैं, बट हमने उनसे ये जरूर कहा कि आपके आप उस लग्जरी को अभी तक नहीं पा सके हैं और आप उससे पाना भी नहीं चाहते, बट वी वांट दैट, क्योंकि ये हमारी जनरेशन है और हम लोग आजकल हर किसी स्टूडेंट में या हर किसी बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि यार अगर उसके पास ऑडी है तो हम एसेंट तो ले ही सकते हैं, हमारे पास इतना तो है कि हम एसेंट तो ले ही सकते हैं, वरना हमारे दिल में एक जेलेसी फील होती रहती है, यार इसके पास ऑडी है, हम एसेंट भी नहीं ले पा रहे हैं, हम लोग पैदल चल रहे हैं या हम लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं. कॉन्सेंट्रेट करोगे अगर आपका ऑडीज और मैम वी जस्ट वांट की दिमाग अटक गया, तो करियर पे कब कॉन्सेंट्रेट करोगे? एक मतलब कहने का ये है कि आपने कहा कि एक हाई ग्रोथ मिले, अच्छा सैलरी पैकेज मिले अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करके अपने करियर में, सो मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर ऐसा करने पे मुझे अच्छा ग्रोथ मिलती है तो मैं तैयार हूँ. I'm feeling sorry for you, boy. But honestly, boys ऐसी situation में बहुत कम पहुंचते हैं जहाँ पे उनको उस तरह का compromise करना पड़ता है. But अगर ऐसा chance आया तो I'll ready. Absolutely. यहाँ पे जो मोहतरमा हैं, इन्होंने कुछ कहना था. आप हमें सबसे पहले अपना नाम बताएंगे. I'm Pratiksha Shukla and I totally disagree with these guys. Okay. Actually, उन करियर तक पहुंचाने के लिए हमारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है, एंड द मॉरल्स दे पुट इन टू अस, अगर हम उसको ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो करियर का क्या फायदा, इट्स यूजलेस. मेरा नाम अनुपम है, मैं प्लस वन में पढ़ता हूँ. मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज पार्ट नहीं है जिंदगी का, क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज को एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए. ओके. अगर हम ये सोचते हैं कि कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी है तो ये हमारे लिए नेगेटिव में आ जाता है. हमें कॉम्प्रोमाइज को कॉम्प्रोमाइज की तरह नहीं, एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए. कॉम्प्रोमाइजेस तो जरूरी होते हैं करने, बट एनीवेज देयर इज नो शॉर्ट वे टू सक्सेस. जहाँ पे तुम्हें लगता है कि करना है फैमिली के लिए, कई जैसे आपने बताया कि कईयों की मजबूरी होती है, उस जगह पे करना मैम ठीक है, लेकिन अगर तुम छोटी छोटी चीज पर भी कि हाँ भाई यार चल कोई बात नहीं, अगर आप किसी के साथ कंपटीशन में रह के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जैसे उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास ऑडी है और मुझे तो फिर मैं वो चाहिए, तो जायज है ना, तो वो सही नहीं है. वहां पे आपको अपने मॉरल्स दाव पे नहीं लगाने चाहिए. और जैसे हमने आपने अभी कहा कि जो सक्सेस है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, जो अगर हम इस तरह से एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो वो कितनी देर तक लास्ट कर सकती है ये बताइए मैम. अगर तुम्हें 10 साल भी लगते हैं कि हाँ भी ठीक है तुम मेहनत करके वहां तक पहुंच सकते हो, तुम्हें जहां तक दिखता है, अब जूनियर्स की बात है कि जूनियर्स आगे निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें कल को ये तो सेटिस्फेक्शन होगी ना यार वो लोग गलत मीन से पहुंचे हैं, हम लोग जहां पर हैं अपना हम लोग ऑनेस्टली पहुंचे हैं. उस चीज की जो खुशी होती है मैम वो अलग, आपको पता है, बट वो तो अपनी लाइफ की लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन इन देयर लाइफ मैम. मे बी यू आर नॉट एबल, अगर कहीं लगता है, कहीं पेरेंट्स को देख के लगता है कि यार वो बच्चा तो अपने पेरेंट्स के लिए इतना कर चुका है एंड मैं कहाँ हूँ, उस जगह पे तो मैम फिर जायज है ना, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा. आज अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो सकता है आज आपके पास दुनिया भर की लग्जरी हो, पर एक टाइम आएगा जब आपको ये बात रियलाइज होगी दैट यू आर रॉन्ग.
एक टाइम जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखोगे और आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, आज जो मेरे पास सब कुछ है पर जो एक मेन चीज है, जो एक इज्जत है, वो नहीं है मेरे पास आज। और रही बात पेरेंट्स को फेस करने की, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी फेस कर पाओगे एक बार ये सब कुछ करने के बाद। मैं ये नहीं कहती कॉम्प्रोमाइजेस सिर्फ पैसे या इन सब चीजों के लिए होते हैं, मैं कहती हूँ कॉम्प्रोमाइजेस में जब आप किसी के साथ इंटीमेट हो जाएं वो गलत है। ओके, मैं टोटली ये कहती हूँ कि इंटीमेशन इज नॉट गुड, पर हाँ अगर आपको लगता है कि आप दूसरी तरह से कॉम्प्रोमाइज करके आपको इसे बेनिफिट मिलता है, तो जो लोग मजबूर हैं उन्हें करना चाहिए। अगर दूसरी तरफ से देखें, अगर इसको इन अ वेरी लाइट मूड में अगर देखें, You are single, you're not committed, you're not having a boyfriend. So, छोटे मोटे relationships आपकी life में आते जाते रहते हैं till the time you get committed to somebody or get married to somebody. अगर ऐसी situation बन जाए तो वो सही रहेगी? पहले depend करता है कि आपकी grooming किस हिसाब से हुई है। अगर आप traditional नहीं है, orthodox नहीं है, मैं यहाँ orthodox भी नहीं कहूंगी, अगर आप traditional नहीं है या फिर आप एक ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहाँ पे ये सब कुछ आम है, तो शायद compromise सब आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ऐसी फैमिली से हैं जिनके values, जिनके custom, उनके इज्जत बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो वहाँ नहीं हो पाएगा। कई लोग ये भी कहते हैं दिस इज माई लाइफ एंड आई हैव टू लिव इट अकॉर्डिंग टू माई ओन, द वे आई थिंक, द वे आई फील, आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स। व्हेन इट कम्स टू दैट, लेट देम बी व्हाट दे आर, उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ है, उनको जब किसी की परवाह ही नहीं है तो उनको ये सब कुछ समझाने का भी कोई फायदा ही नहीं है। कंप्रोमाइज करके अगर हम गोल हासिल कर लेते हैं, जी तो मैम जंग में जैसा बोलते हैं सब कुछ जायज है तो ठीक है। मेरा नाम सोनाली है, मुझे इंडिया आया हुआ 5 मंथ्स हो गया है। एक्चुअली मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ और मैं प्रोफेशनल वाइज मैं मॉडलिंग करती हूँ नेपाल में। ओके, बट इंडिया आया हुआ मुझे 5 मंथ्स हो गया है, काफी टाइम हो गया है, मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है। रही कॉम्प्रोमाइज की बात, मैं एक मॉडलिंग प्रोफेशन है मेरा, आपका तो फील है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं लड़कियों को। अगर कुछ हासिल करना है लाइफ में तो कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी है। नेम, फेम, मनी, आजकल की लग्जरी लाइफ में जो भी चाहता है, हर कोई बंदा चाहता है उसके पास नेम हो, फेम हो, मनी हो। आप इस लाइन में आई हैं तो आप हमें बताइए इस लाइन के बारे में, क्या कदम कदम पे ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस आपके सामने बिछाए जाते हैं? नॉट कदम कदम पे नहीं बोल सकते हैं, बट एक बिग शो आता है जब स्ट्रगलिंग मॉडल्स रहती हैं, जब स्टार्टिंग में हम स्ट्रगल करते हैं तब हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, बट ये अपने ऊपर होता है। बट मेरा फ्रेंड सर्कल था जो मैंने मॉडलिंग में जिससे स्टार्ट की, जिसके थ्रू स्टार्ट किया, गॉड है मेरे साथ, अभी तक मुझे ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ा है। अभी तक मेरी जो मॉडलिंग लाइन चल रही है बहुत सुपर्ब चल रही है, बिकॉज मेरा एक्सीडेंट हो गया था अभी बीच में, तो मेरे पैरों में स्टिचेस आई थी, उसकी वजह से मैंने अभी मॉडलिंग अपनी स्टॉप कर दी है। मेरे डैड अभी, मेरे डैड मॉम देहरादून में रहते हैं, मेरे डैड आर्मी रिटायर्ड है, और मुझे कूल रहना बहुत पसंद है अपनी लाइफ में, लाइफ को रॉक करना, चिल मारना लाइफ में बहुत पसंद है। ओके, जैसे कि मैं अपने भाई को देखती थी लेट नाइट पार्टीज जाना, एंजॉय करना फ्रेंड्स के साथ, और मॉम डैड मुझे बोलते थे नहीं यू आर अ गर्ल, नहीं जाना है, तो मैं इसके अगेंस्ट बहुत रहती थी। मैं नहीं, भाई कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ। बट मैं अभी यहाँ आई हूँ, मैं अपने लाइफ को अपने, अभी तक तो आपको मॉडलिंग करियर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, और हम ये दुआ भी करेंगे कि आगे भी ऐसा स्मूथ चले और आप जो बनना चाहती हैं वहां तक पहुंच सके। मगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वजह बनती है जिंदगी में जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगी? हाँ, तो मैं करूंगी, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं एक सुपर मॉडल। आई एम ग्लैड दैट यू आर ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट इट। थैंक यू सो मच। आपकी इसी बात पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि वक्त हो गया। ब्रेक के बाद ये तो नहीं कहूंगी कि इससे भी भयानक कोई इशू लेके आ रही हूँ, बट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीबडी।